अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौज़ू है रोज़ा और इफ्तारी। इफ्तार का वक्त भी बहुत खूबसूरत वक्त होता है, एक अनजानी खुशी का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, लिस्साइम फरहतान यफ़रहुहुमा इज़ा अफ्तरा फरह व इज़ा लक़िया रब्बहु फरह बिसौमिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए खुशी के दो मौके हैं जिनमें वो खुश होता है। जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो अब खुश होता है, और जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े से खुश होगा, यानी उसका अजर व सवाब सामने पाकर। तो बात यह है कि इफ्तार का ये वक्त नहायत अहम वक्त है। ये वक्त कब शुरू होता है? कुरान पाक में अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, थुम्मा अतिम्मु सियाम इला लैल, फिर पूरा करो रोज़े को रात तक। गोया जब रात का आगाज़ हो जाए, रात शुरू हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, तो वो रोज़ेदार के रोज़े इफ्तार करने का वक्त होता है। गुरूब आफ्ताब रोज़ा इफ्तार करने की शर्त है, उससे पहले रोज़ा इफ्तार नहीं किया जा सकता। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم। आप صلى الله عليه وسلم ने फरमाया, जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार रोज़ा खोल ले। गोया दिन का जाना और रात का आना वो वक्त है जब रोज़ा इफ्तार किया जाता है। ये भी याद रहे कि रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करना मसनून है। गोया सूरज के गुरूब होने के फ़ौरन बाद रोज़ा खोल लेना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन लियुसल्ली अल-मग़रिब हत्ता युफ्तिर वलो अला शरबत माइन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार किए बग़ैर मग़रिब की नमाज नहीं पढ़ते थे, चाहे एक घोंट पानी से इफ्तार करते। गोया इससे ये भी पता चलता है कि इफ्तार का वक्त मग़रिब की नमाज से पहले का है, यानी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब तक के इफ्तारी न कर ली जाए। हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग बराबर भलाई पर रहेंगे जब तक के रोज़ा खोलने में जल्दी करेंगे। जैसा कि सहरी के बारे में गुफ्तगू करते हुए आपको बताया गया था कि बहुत जल्दी सहरी करने की बनिस्बत ताखीर से सहरी करना लेकिन वक्त के अंदर ज़्यादा अफजल है, इसी तरह इफ्तार में भी बहुत ताखीर नहीं करनी चाहिए कि मसलन रात का जब बहुत अंधेरा हो जाए, हिशा की नमाज का वक्त हो जाए तो एक शख्स समझे कि अब इफ्तार करना ज़्यादा सवाब का बायस है क्योंकि मैंने सब लोगों से एक डेढ़ घंटा ज़्यादा लंबा रोज़ा रखा है और देर से खाया पिया है, तो ऐसा करना कुछ सवाब का बायस ना होगा बल्कि उल्टा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी। तो आपने फरमाया कि लोग भलाई पर रहेंगे जब तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे, गोया एतदाल में रहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें हर मामले में एतदाल का सबक देता है, इंतहा पसंदी हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, और आप जानते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े मगरिब से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते,
अगर ताज़ा खजूरें न होती तो खुश खजूरों से इफ्तार फरमाते, अगर खुश खजूरें न होती तो चंद घोंट पानी से ही इफ्तार फरमा लेते। तो इससे पता चलता है कि दूसरी चीज़ों के निस्बत खजूर से रोज़ा इफ्तार करना आपको ज़्यादा पसंद था, गोया आपकी सुन्नत और आपकी पसंदीदा चीज़ खजूर से रोज़ा इफ्तार करना है, और खजूरों में भी ताज़ा खजूर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के पास खजूरें हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ताज़ा खजूरें हों। तो अगर मयस्सर हो, मुमकिन हो, तो ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है, और अगर ये चीज़ मयस्सर ना हो तो उसके बाद पानी पीना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पानी पाक करने वाली चीज़ है। इफ्तारी के सिलसिले में एक और बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि ये वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। जैसे सहरी के सिलसिले में आपको बताया गया था कि वो वक्त ज़िक्र इलाही का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसी तरह इफ्तार का वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दावातिन ला तुरद्दु, दावतुल वालिदि व दावतुस साइमी व दावतुल मुसाफिरी, कि तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप की दुआ, रोज़ादार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो गया इंसान इन तीनों हालतों से फ़ायदा उठा सकता है। वालदैन को अपने बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए, इसी तरह रोज़ादार इफ्तार के वक्त ख़ास तौर पर दुआ करें, दिन में भी दुआ कर सकता है लेकिन खुसूसन इफ्तार के वक्त, और इसी तरह मुसाफिर भी आम दिनों की निस्बत सफ़र की हालत में अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए उसको इस मौके से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। इफ्तारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ सिखाई है। अन इब्ने उमर क़ाल काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तर क़ाल ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, जिसका तर्जुमा है प्यास ख़त्म हो गई, रगें तर हो गई और रोज़े का सवाब पक्का हो गया इंशाअल्लाह। इसी तरह इफ्तार की कुछ और दुआएं भी आपने सिखाईं। हज़रत मुआज़ बिन ज़ुहरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार करते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा लक सुमतु व अला रिज़्क़िक अफ्तरतु। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए मैंने रोज़ा रखा और तेरे ही रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ्तार करना और इफ्तार में जल्दी करना बाबरकत है, इसी तरह इफ्तारी के वक्त भी दूसरों की गमगुसारी और दूसरों की दिलजोई और दूसरों के हुकूक़ का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों का रोज़ा इफ्तार करने की भी तरगीब दिलाई है। हदीस में आता है कि जिसने रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोज़ादार के लिए होगा, और रोज़ादार के अजर से कोई चीज़ कम न की जाएगी। तो इससे पता चलता है कि अगर एक इंसान दूसरों के रोज़े इफ्तार कराने का एहतमाम करता है तो वो एक बहुत बड़े अजर को समेटता है। और इसमें भी फिर बात यह है कि किस चीज़ से किसी का रोज़ा इफ्तार कराया जाए, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का ही एहतमाम किया जाए, या एक देग ही पकाई जाए, या कोई ख़ास किस्म का एहतमाम हो? नहीं, ये सवाब हर वो शख्स पा सकता है कि जो लस्सी का एक घोंट या एक खजूर या पानी का एक घोंट पिलाकर ही किसी का रोज़ा इफ्तार कराता है, उसको भी ये सारा अजर व सवाब हासिल होता है। अब रोज़ा इफ्तार करने वाले को एक और अदब और अखलाक ये सिखाया गया। अब आप देखिए कि रोज़ा इफ्तार कराने वाले ने तो ये अजर पा लिया, लेकिन जो शख्स रोज़ा इफ्तार कर रहा है उसे जवाब में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, उसे भी एक अदब और अखलाक सिखाया गया कि वो इफ्तार कराने वाले के लिए दुआ करे, और वो दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखा दी। अन अनस क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तर इंद क़ौमिन क़ाल अफ्तर इंदकुम अस्साइमून व अकल तआमकुम अल अब्रार व तनज़्ज़लत अलैकुम अल मलाइका।
حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنی چاہیے، افطار کے لیے افضل چیز کھجور اور پانی ہے، افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے، اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس اہتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراویح کے لیے ہمت ہار بیٹھے۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں، اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاؤں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ۔ افطار کا وقت سحری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے، اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگ روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے، پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے، پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا، لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں، اور انسان خود اپنے لیے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو مجھ سے، ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گنوا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں، تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے، اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، ذکر کیا جائے، دعا کی جائے، اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے، اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے، کیونکہ نماز کا افضل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو اس کا اہتمام بھی رہے۔ اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو، تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ بادلوں کی وجہ سے کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے غروب ہو گیا ہے، اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا؟ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا۔ کوئی اور سوال؟ افطار پارٹی کے متعلق قرآن کی روشنی میں کیا دلیل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ
मिलकर खाने में बरकत होती है, या इफ्तार के मौके पर आप खुद इफ्तार अकेले करने की बजाय किसी दूसरे को भी शरीक कर सकते हैं, दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, लेकिन आम तौर पर इसमें भी हम हद इतदाल से बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ अमीर लोगों को उसमें दावत देते हैं, या सिर्फ अपने ख़ानदान के चंद मखसूस लोगों को दावत देते हैं, और गरीबों को इस मौके पर भुला दिया जाता है, जबकि रमज़ान का महीना तो है ही शहरुल मुआसात, एक दूसरे की गमगुसारी करने का महीना है, एक दूसरे की हमदर्दी का महीना है। तो इस मामले में जहाँ आप अपने रिश्तेदारों को याद रखें, दोस्तों को याद रखें, अपने साथ काम काज में शरीक लोगों को याद रखें, या किसी भी तरह जानने वालों को, वहाँ उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें कि जो ना आपके रिश्तेदार हैं, ना दोस्त हैं, ना ताल्लुकदार हैं, लेकिन वो आपकी इफ्तार के कहीं ज़्यादा मुस्तहिक हैं, और उनके दिल से निकली हुई दुआएं आपके लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो इस मामले में भी हमें देखना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खाने में ज़रूर किसी को शरीक किया करते थे, अम्बिया की सुन्नत यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मामले में दूसरों का ख्याल रखा करते थे। तो इफ्तार पार्टी की जा सकती है, लेकिन हद इतदाल के अंदर, जिससे दूसरे फ़राइज़ मुतासर ना हों। सहाबा कराम का आमतौर पर रुझान ये होता था कि रमज़ान में एक दूसरे से अजनबी हो जाया करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको इबादत के लिए मिल सके। तो अगर हमारी इबादत पर असर न पड़े और हमारी रूहानियत मुतासर न हो, तो मेल जोल में हर्ज नहीं है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।